अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम पहले अपनी डो बना लेते हैं। 2.5 कप हमने मैदा लिया है, 1 चम्मच हमने खमीर का लिया है, 1 चम्मच हमने चीनी का लिया है और 1/2 चम्मच हमने नमक का लिया है। और ये हमारा नीम गरम पानी है जिससे हमने गुनना है। आगे अब हम अपनी डो गुनना शुरू करते हैं। पहले हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर, हमने इस डो को बहुत ज़्यादा ही नरम गूंदना है। गाइस, 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल के भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो नमक, चीनी और खमीर पानी में घोल के और वो भी इसमें कर सकते हैं, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इजी तरीका है। गाइस, ये देखें, ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। 10 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से भूना बोल रही हूँ। और क्या कहते हैं, ये हमने डोंगे के अंदर इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। 1 चम्मच हमने ऑयल लेके इसे इसको ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह। और अब हम ये सारी डो इसके अंदर रख देंगे 1/2 घंटे के लिए ढक के किसी गर्म जगह पे। गाइस, ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो रही है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल के खाने वाले डाले हैं जिससे हम खाना खाते हैं, और 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का डाला है, और 1 ही चम्मच मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है, और मैंने 4 टमाटर डाले हैं, और 2 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों के डाले हैं। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो रही है। हमें इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। मेरे पास रेड टमाटर नहीं थे तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सॉस इस तरह का कलर में बना है। ये हम खाली 1 पिज़्ज़े की सॉस बना रहे हैं। आप ज़्यादा की बना के रखना चाहें तो आप ज़्यादा की बना लें। जब ये थोड़ा भूनने लग जाएगा, यानी कि बिल्कुल रेडी हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, इसके अंदर 2 चम्मच हम केचप का ऐड करेंगे। गाइस, ये अब मैं पिज़्ज़े के लिए चिकन फ्राई कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक ऐड करा है। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें इसमें दोबारा ऐड करेंगे क्योंकि हमने ये थोड़ा स्पाइसी सा बनाना है, और उसके बाद फिर हम अपने पिज़्ज़े की तैयारी करेंगे। गाइस, ये देखें, हमने इस तरह से ये पिज़्ज़े की रोटी बनानी है। ये इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से। गाइस, इसके अंदर अब जो हमने अपना पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो लगाएंगे। अच्छी तरह से गाइस हमने सॉस लगा चुके हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी ये चीज़ डाल देंगे।
अब जो हमने अपनी चिकन बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हम सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालेंगे, आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें देना, अब थोड़ी चीज़ हम इसमें दोबारा ऐड करेंगे। और अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे जब तक पकाएंगे जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। और इसको अब हम कवर कर देंगे। गाइस ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धुआं भी निकल रहा है ना।